देखिए अरविंद जी, 2 साल में चमत्कार होने वाला है या 10 साल में चमत्कार होने वाला है, इस झंझट में नहीं पड़ते हम. जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने इलेक्शन कैंपेन चलाया था तो कौन सी वो योजना थी जिसके अंदर उन्होंने 100 दिन से ज्यादा का समय मांगा? कौन सी वो योजना थी जिसके लिए उन्होंने 6 महीने से ज्यादा समय मांगा? क्या इन्होंने वादे नहीं किए थे कि हम इतने समय में ये सारी समस्याएं हल कर देंगे? जब आपने कहा था कि समस्याएं हल करेंगे तो क्या जनता नहीं पूछेगी तुमने 100 दिन की बात कही थी, आज जो है वो 365 के भी तिगने होने वाले हैं, क्यों नहीं किया आपने अपनी बातें पूरी? तो कहते हैं कांग्रेस के वक्त में ऐसा था इस वजह से नहीं. नहीं, हम तो लगातार पूरी कर रहे हैं. बारे में नहीं बोले थे बीच में, तो आप भी ना बोले, धैर्य से सुने, थोड़ा सा धैर्य रखिए. तो ये जो है ये कौन सा इन्होंने अपना वादा पूरा कर लिया? ब्लैक मनी लाने के लिए कितना समय दिया था? अरविंद जी आप याद दिला दिए, हम तो कांग्रेसी हो सकता गलत याद बात करें. या मणि भाई जो है वो बता देंगे कितने दिन का वादा किया था. या जो इसकी बात की गई थी, रोजगार की बात की गई थी, कितने दिनों में कही थी कर देने के लिए? तो देखिए वो तो एक बात हो गई. दूसरी हम बात कहते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया. कांग्रेस का सिर्फ एक फेलियर जरूर रहा कि यहां के ऊपर दुर्भाग्यवश नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री जो है वो जीत के आ गए. ये कांग्रेस की बड़ी विफलता है, इसमें कोई शक नहीं है. ये कांग्रेस की बड़ी विफलता है कि ऐसे लोग जिनको काम करना नहीं आता है, केवल अपोजिशन के ऊपर अटैक करना आता है, आज भी वो अपोजिशन में ही बैठे. इनकी आदत हो गई अपोजिशन में बैठने की. ये अपनी बात बता ही नहीं पाते क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है. कोई बात आप इनसे सवाल पूछे कि ये कांग्रेस ने क्या किया था, तो ये अपने आप में दिखाता है कि आज भी अपोजिशन में बैठे और इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं.